नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है भालचंद्र। ब्रह्मांड सिद्धि आश्रम में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे दिनांक 13 फरवरी के लिए 12 राशियों का राशिफल। उससे पहले आज के दिन के जो शुभ काल, जिसे हम विजय मुहूर्त भी कहते हैं, वो है दोपहर 12:41 से लेकर 1:05 तक। और अशुभ काल, जिसे हम राहु काल भी कहते हैं, वो है दोपहर 12 से लेकर 1:30 तक। आज के दिन जो चंद्रमा या चंद्रमा संपूर्ण दिन वृषभ राशि में भ्रमण करेगा। यह जो चंद्रमा या चंद्रमा बुध के साथ केंद्र योग करने जा रहा है और आज के दिन मंगल और हर्षल का युति योग भी होने जा रहा है। यह ग्रह स्थिति सामने रखते हुए 12 राशियों का राशिफल क्या होगा, उसके बारे में अब हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले राशि है मेष राशि। मेष राशि के द्वितीय भाव में चंद्रमा का भ्रमण होगा और आप ही के राशि में मंगल और हर्षल की युति योग भी होने जा रहा है। तो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण बात, आज का जो आपका दिन होगा वो आपके फैमिली से रिलेट करने वाला होगा। आपके जो फैमिली है, आपके जो कुटुंब है, आपके जो कुटुंब के सदस्य है, उनके लिए आप कुछ खर्चे कर सकते हो या फिर सेविंग्स के बारे में कुछ प्लान में इन्वेस्टमेंट हो सकती है और सेविंग्स के बारे में भी थोड़ा आप सोच सकते हो। सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण बात, अगर आप आज के दिन किसी यात्रा पर निकल रहे हो या फिर ऐसे कोई काम कर रहे हो जिसमें ज्यादा रिस्क है, फिजिकल रिस्क में आपको बोल रहा हूं, तो ऐसी कोई बात है तो आज के दिन अगर आप टालो, यानी कि आगे आने वाले 2-3 दिनों के लिए अगर ये बात टाल दो तो मेरे ख्याल से आपको ज्यादा प्रॉब्लम नहीं हो सकती। थोड़ा फिजिकल हार्म, जिसे हम बोलते हैं शारीरिक कोई व्याधि या फिर शारीरिक तौर पर कोई ना कोई तो कॉम्प्लिकेशन आने की संभावना आज के दिन बहुत ज्यादा बनती है आपके लिए। तो ऐसी अगर कोई बात हो, यानी जैसे कहा कि यात्रा करने लिए निकल रहे हो, कोई रिस्क वाला अगर कोई काम आप कर रहे हो, तो आगे आने वाले 2-3 दिनों तक थोड़ा सा रुकिए। इसके बाद वो जो काम रहेगा वो आप करेंगे तो ठीक ठाक होगा। और जो महिला वर्ग है उनके लिए भी आपको आज जो घर का जो आप काम करेंगे, मतलब गृहिणी वर्ग के लिए मैं कह रहा हूं, घर का जो आप काम करोगे वहां पर थोड़ी सी सावधानी बरतना आवश्यक है। किसी न किसी प्रकार की शारीरिक तौर पर आपको नुकसानदेह हो सकता है, आप उसके बारे में थोड़ा ध्यान देना आवश्यक है। इसके बाद की जो राशि है वह है वृषभ राशि। वृषभ राशि में ही चंद्रमा का भ्रमण है और आप ही के व्ययभाव में चंद्र मंगल और हर्षल की युति होने जा रहे हैं। तो आपके लिए देखा जाए तो आज का जो दिन होगा थोड़ा स्ट्रेसफुल होगा। बहुत मायनों में अगर आपको ये बात ध्यान में रखनी बहुत ज्यादा आवश्यक है कि आने वाले 2-3 दिनों में, मतलब जिसमें आज का भी दिन शामिल है, आने वाले 2-3 दिनों में अगर आपकी शादी हुई है या फिर अगर आप किसी के प्रेम में हो, तो ऐसी कोई बात हो सकती है जिसकी वजह से बहुत ज्यादा तनाव आपके जो रिलेशनशिप है उसमें आने वाले हैं। किसी भी छोटी मोटी बात को लेकर ऐसी बात हो सकती है, ऐसे कोई प्रॉब्लम या कॉम्प्लिकेशंस आ सकते हैं जिसकी वजह से आपका स्ट्रेस लेवल बढ़ सकता है। तो मेरे कैसे ऐसी कोई बात हो जाए या फिर इसके ऊपर अगर कोई डिसीजन लेना है तो थोड़ा सा रोकिए, 2-3 दिनों के बाद इसके बारे में सोचिए और थोड़ा सा सजग रहना। ऐसी कोई बात हो तो जल्दी से रिएक्ट नहीं करना। हालांकि आपकी जो राशि है वो जल्दी रिएक्ट करने वाली नहीं है, लेकिन फिर भी ऐसी कोई प्रॉब्लम या कॉम्प्लिकेशंस आपके लिए खड़े हो सकते हैं, ध्यान देना बहुत ही ज्यादा आवश्यक है। इसके बाद की जो राशि है वो है मिथुन राशि। मिथुन राशि के वैय भाव में चंद्रमा का भ्रमण है और आप ही के लाभ भाव में मंगल और हर्षल की युति होने जा रही है। तो आपके लिए तो आज का दिन और आने वाले करीबन 2-3 दिन बहुत ज्यादा स्ट्रेसफुल होंगे, क्योंकि वैय भाव का चंद्रमा भी आपको स्ट्रेस में ला सकता है। उसी प्रकार आपके लाभ भाव में मंगल और हर्षल की युति होने जा रहे हैं, तो उसका सबसे ज्यादा प्रभाव 2-3 जरियों से होगा। पहली बात तो आपके जो हेल्थ रहोगी, क्योंकि आपकी जो हेल्थ है, आपकी जो स्वास्थ्य है, उसमें कुछ ना कुछ हमेशा प्रॉब्लम या छोटी मोटी बातें होती है, तो आपके लिए ये बात ध्यान रखना बहुत ज्यादा आवश्यक है। हेल्थ के बारे में अगर ऐसी कोई बात, अगर ऐसे कोई लक्षण आपको दिखते हैं तो उसके ऊपर ध्यान देना काफी ज्यादा आवश्यक है। और दूसरी सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण बात, किसी आपके जो फ्रेंड सर्कल होंगे उन फ्रेंड सर्कल से आपको किसी भी प्रकार की योजना या फिर ऐसी कोई अपॉर्चुनिटी आपको दी जाए तो उसको नकारना, मतलब उसके बारे में कुछ किसी भी प्प्रकार के डिसीजन नहीं लेना आने वाले 3-4 दिनों तो, क्योंकि ये जो बात है वो बात आपको कॉम्प्लिकेशंस में ला सकती है। आपके हाथ से ऐसे कोई खर्चे वगैरह हो सकते हैं तो ध्यान देना बहुत ज्यादा आवश्यक है। यदि आप किसी लाभ के बारे में सोच रहे जो कि बहुत बड़ा हो या फिर आने वाले का आपको कंफर्म हो, लेकिन आज के दिन उसके बारे में कुछ गलत खबर आपको मिल सकती है जिसकी वजह से आपका जो पूरा मूड है वो निकल जाएगा और आने वाले 2-3 दिनों में ऐसी बात थोड़ी हो जाएगी जिसकी वजह से आपका मूड है वो इतना अच्छा नहीं होगा। ध्यान देना काफी ज्यादा आवश्यक है। मतलब दो बातें मैंने आपकी बताई, हेल्थ के बारे में और आपके जो मित्र परिवार होंगे उनसे आपको कुछ गलत अनुभव मिलने के बहुत ज्यादा चांसेस है। इसके बाद की जो राशि है वह है कर्क राशि। कर्क राशि के लाभ भाव में चंद्रमा का भ्रमण है और आप ही के दशम भाव में मंगल और हर्षल की युति होने जा रही है। तो मेरे ख्याल से लाभ के बारे में अगर देखा जाए तो दिन वैसे अच्छा ही बीतेगा। आपके जो मित्र परिवार होंगे उनसे आपको अच्छी सलाह मिल सकती है। आप जहां पर काम करते हो वहां पर
की जो परिस्थितियां हैं वो बिल्कुल ही अलग हो जाएंगी। मतलब वहां पर के जो लोग होंगे, खास करके जो यंग एज के पीपल होंगे, यंग एज के जो व्यक्ति होंगे, उनसे आपकी तकरार हो सकती है और वो जो तकरार है वो बहुत आगे तक बढ़ सकती है। तो अगर ऐसी कोई बात होती है तो थोड़ा सा ठंडे दिमाग से सोचना, क्योंकि ये बात आगे बढ़ सकती है जिसके कॉम्प्लिकेशन आपको हो सकते हैं। तो मेरे ख्याल से ध्यान देना काफी ज्यादा आवश्यक है। और अगर आपकी कोई संतान हो तो संतान के सेहत के बारे में ऐसी कोई प्रॉब्लम्स या कॉम्प्लिकेशन आने वाले 2-3 दिन में आ सकती है, जिसकी वजह से आपको थोड़ा बहुत उसके बारे में सोचना होगा। उसके बारे में कुछ कॉम्प्लिकेशन या स्ट्रेस वगैरह, टेंशन वगैरह आ सकते हैं किन्हीं कारणों के कारण, जहां पर आप काम करते हो, ऑफिस में हो या फिर कहीं और, तो छोड़ना नहीं। मतलब विवाद की स्थिति आ सकती है आने वाले 2-3 दिनों में, ध्यान देना काफी ज्यादा आवश्यक है। लेकिन जिसे हम आय के बारे में बोलते हैं, लाभ के बारे में बोलते हैं, तो वो जो दिन है आज का आपका अच्छा ही होगा। इसके बाद की जो राशि है वो है सिंह राशि। सिंह राशि के दशम भाव में चंद्रमा का भ्रमण है और आपके आप ही के भाग्य भाव में मंगल और हर्षल की युति होने जा रही है। तो जो घर के सदस्य होंगे वो घर के सदस्य को लेकर कोई ना कोई बड़े ऐसे प्रॉब्लम्स या कॉम्प्लिकेशन खड़े हो सकते हैं, या फिर घर के सदस्य के साथ आपकी ऐसी कोई मतलब मुठभेड़ हो सकती है। मुठभेड़ मतलब विवाद हो सकते हैं, शब्दशा नहीं लेना इसे। तो ऐसी कोई बात हो सकती है जिसके वजह से जो विवाद होंगे वो विवाद बहुत ज्यादा आगे बढ़ सकते हैं, स्ट्रेस लेवल हो सकता है, ध्यान देना काफी ज्यादा आवश्यक है। अगर ऐसी कोई बात आपको दिखती है तो थोड़ा सा रुकिए, क्योंकि आने वाले 3-4 दिन में ये बात रहेगी, ऐसी कोई बात आ जाएगी, थोड़ा सा ठंडे दिमाग से सोचना। और अगर लाभ के बारे में देखा जाए या फिर आपके काम के बारे में देखा जाए तो वैसे दिन आपका अच्छा ही बीतेगा। उसके बाद की जो राशि है वह है कन्या राशि। कन्या राशि के भाग्य भाव में चंद्रमा का भ्रमण है और आप ही के अष्टम भाव में मंगल और हर्षल की युति होने जा रहे। वैसे देखा जाए तो आपका दिन अच्छा होगा, सिर्फ और सिर्फ अगर आपकी शादी हुई है तो आपके जो इनलॉज होंगे, मतलब आपके ससुराल के लोग होंगे, उनसे आज आपकी तकरार होने के बहुत ज्यादा आसार है। जी हाँ, बहुत ज्यादा आसार है। तो मेरे ख्याल से थोड़ा सा शांत रहिए, 3-4 दिनों के लिए बात होगी, उसके बाद ये बात नॉर्मल भी हो जाएगी। लेकिन मेरे ख्याल से अगर आप शांति से उसे टैकल करोगे तो बहुत बड़ी बात नहीं होगी। और सेहत के बारे में अगर आप किसी व्याधि से त्रस्त हो तो उसके बारे में ध्यान देना आवश्यक है। उसके बारे में कुछ ऐसे लक्षण आपको मिल सकते हैं जो कि आपकी चिंता उसमें ज्यादा लग सकती है। तो ये 2-3 बातें उसके ऊपर ध्यान देना आवश्यक है, जहां पर आप काम करते हो या फिर लाभ के बारे में, बाकी सभी चीजों के बारे में जो दिन है वो आपका नॉर्मल ही बीतेगा। इसके बाद की जो राशि है वह है तुला राशि। तुला राशि के अष्टम भाव में चंद्रमा का भ्रमण है और आप ही के सप्तम भाव में मंगल और हर्षल की युति होने जा रही है। तो आपके लिए अलार्मिंग पीरियड है, मतलब आप आने वाले 2-3 दिन है वो आपके लिए थोड़ा ज्यादा सोचने वाले हैं, क्योंकि आपके जो वैवाहिक जुड़ेदार होंगे उनसे किसी तरह से कुछ ऐसे बन हो सकती है जिसकी वजह से आपका जो मूड है वो भी बिगड़ेगा। हालांकि आपकी जो राशि है वो संतुलित राशि है, लेकिन आने वाले 2-3 दिन में आपको ऐसा एहसास होगा कि आपका जो संतुलन है वो खोता हुआ नजर आएगा। तो ऐसी कोई प्रॉब्लम आपको दिखती है, ऐसी कोई बात आपको दिखती है तो थोड़ा सा शांत रहना। उसके बारे में कुछ भी आपको डिसीजन लेना है 2-3 दिनों के बाद लेना, क्योंकि ऐसे प्रसंग या फिर ऐसी बातें हो सकती है, ऐसे सिनारियो या फिर ऐसे सीन आपके सामने आ सकते हैं जो कि आपके जो भावनाएं हैं वो ज्यादा तीव्रतम कर सकती है, खास करके आपके जो वैवाहिक जुड़ेदार होंगे उनसे लेकर। अगर आप प्रेम में हो, प्यार में हो, तो भी आपको थोड़ा सजग रहना आवश्यक है, क्योंकि ऐसे प्रॉब्लम से कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं जिसके वजह से आपका जो प्यार है वो टूट भी सकता है। मतलब इतने जो ग्रह योग है आपके लिए अच्छे नहीं बन रहे, ध्यान रखना बहुत ही ज्यादा आवश्यक है। इसके बाद की जो राशि है वह है वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि के सप्तम भाव में चंद्रमा का भ्रमण है और आप ही के षष्ठ भाव में मंगल और हर्षल की युति होने जा रहे। तो आपके लिए आज देखा जाए तो आज का दिन वैसे देखा जाए तो अच्छा ही होगा। आपके वैवाहिक जुड़ेदार से थोड़े बहुत जो मतभेद हुए थे वो आज के दिन नॉर्मल हो जाएंगे, पैचअप हो जाएंगे, तो बहुत बड़ी कॉम्प्लिकेशन वाली बात नहीं है। आपके षष्ठ भाव में मंगल और हर्षल की युति होने जा रहे, तो जहां पर आप काम करते हो, व्यवसाय करते हो, वहां पर के जो निम्न स्तरीय जो लोग होंगे उनसे कुछ ना कुछ समस्याएं आपको हो सकती है और उनसे ऐसी कोई बात हो सकती है जिसकी वजह से ये जो पूरे आने वाले 2-3 दिन है वो आपके बिगड़ सकते हैं। मतलब आप जहां पर करियर करते हो, जहां पर आप काम करते हो, वहां पर की जो परिस्थितियां हैं वो आपके लिए फेवरेबल नहीं होगी, ध्यान देना काफी ज्यादा आवश्यक है। ज्यादा रिएक्ट नहीं करना, 3-4 दिनों के लिए देखना, सभी जो बातें हैं वो नॉर्मल होते हुए नजर आएंगी। और आपके सेहत के बारे में भी ध्यान देना थोड़ा आवश्यक है। सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण बात, जहां पर आप काम करते हो वहां पर की जो परिस्थितियां हैं वो जैसे आप एक्सपेक्ट करते हो उस तरह से नहीं होगी। इसके बाद की जो राशि है वह है धनु राशि। धनु राशि के षष्ठ भाव में चंद्रमा का भ्रमण है और आप ही के पंचम भाव में मंगल और हर्षल की युति होने जा रही है।
सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण बात, अगर आप इजी मनी से डील करते हो, अगर आप शेयर मार्केट से डील करते हो, तो आने वाले 3-4 दिनों में किसी भी प्रकार के बड़े डील नहीं करना। अगर आप करते हो तो उसमें आपको घाटा आएगा ही आएगा, और वो जो घाटा है वो बहुत ज्यादा होगा, वो आप सहन नहीं कर पाओगे। उसके बारे में ध्यान देना आवश्यक, किसी भी प्रकार के रिस्क टेकिंग जो डिसीजन है वो टाल देना आने वाले 2-3 दिनों में, क्योंकि आने वाले 1-2 दिन में आप वैसे भी थोड़े बहुत स्ट्रेस में रहोगे। तो मेरे ख्याल से ये बात ध्यान रखना बहुत ज्यादा आवश्यक है। अगर आपके कोई संतान है तो संतान के बारे में किसी भी प्रकार के अगर आपको डिसीजन लेने हैं, थोड़ा सा रुकिए, 4-5 दिनों के बाद उसके बारे में सोचना, तो मेरे ख्याल से कुछ अच्छे नतीजे आपके लिए आ सकते हैं। ध्यान देना काफी ज्यादा आवश्यक है। इसके बाद की जो राशि है वो है मकर राशि। मकर राशि के पंचम भाव में चंद्रमा का भ्रमण और आपके चतुर्थ भाव में मंगल और हर्षल की युति होने जा रही, तो आपके घर के जो सदस्य होंगे उनसे लेकर कोई ना कोई तकरार आज आपकी हो सकती है। ये बात बहुत ही ज्यादा आवश्यक है और महत्वपूर्ण भी है, और विवाद ऐसे हो सकते हैं जिसकी वजह से जो बातें हैं वो बातें बहुत एक्सट्रीम लेवल तक जा सकती है। आने वाले 3-4 दिनों तक ये बात रहेगी, तो थोड़ा सा ठंडे दिमाग से सोचना काफी ज्यादा आवश्यक है। हालांकि आज का जो दिन है, आज का दिन वैसे आपके लिए सामान्य होगा, अगर ऐसी कोई बात आपको सामने आती है तो थोड़ा सा शांति से उसे टैकल करना, क्योंकि अगर आप ज्यादा रिएक्ट करते हो तो वो जो बात है और ज्यादा बढ़ सकती है। आपके घर के जो लोग हैं, अगर आपके घर के कोई सदस्य के साथ आपकी कोई तकरार हुई है किसी किन्नी मुद्दों पर लेकर, तो वो जो तकरार है वो तकरार आज के दिन बहुत आगे बढ़ सकती है, तो इसके ऊपर थोड़ा सा ध्यान दीजिए। अगर ऐसी कोई बात होती है थोड़ा सा शांति से उसे टैकल करना, 2-3-4 दिन के बाद ये जो समस्या है वो समस्या नॉर्मल भी हो जाएगी। इसके बाद की जो राशि है वो है कुंभ राशि। कुंभ राशि के चतुर्थ भाव में चंद्रमा का भ्रमण है और आप के तृतीय भाव में मंगल और हर्षल की युति होने जा रहे, तो आज का जो आपका दिन होगा वैसे देखा जाए तो थोड़ा शांतिपूर्ण होगा। आप थोड़ा आज आप थोड़ा आराम करना पसंद करोगे, लेकिन आपकी मन की इच्छा तो आराम करने की होगी, लेकिन आप आज आपको आराम नहीं मिलेगा। आज आप बहुत ज्यादा एक्टिव होते हुए नजर आओगे आपके काम में, और सबसे महत्वपूर्ण बात, आपके जो भाई या फिर बहन होंगे उनसे लेकर आज आप त्रस्त होंगे, या फिर उनसे उनको लेकर कुछ ना कुछ तो आपको ऐसी खबर मिल सकती है जो कि शुभ नहीं होगी, अशुभ होने के चांसेस है। अगर आपके जो नेबर्स है, मतलब आपके इर्द गिर्द रहने वाले जो लोग हैं, उनसे कुछ आपको प्रॉब्लम्स हो रही थी वो आज के दिन ज्यादा इंटेंस हो सकती है, जिसकी वजह से स्ट्रेस लेवल भी हो सकता है। पेपर वर्क को लेकर, मतलब किसी को आपने कुछ कमिट किया है या फिर किसी को प्रोमिसेस वगैरह किया है और वो अगर आप पूरा नहीं करते तो आज के दिन उसके बारे में भी बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस आपको नजर आ सकते हैं। अगर जहां पर आप काम करते हो, व्यवसाय करते हो, बिजनेस करते हो, वहां पर अगर कुछ कॉम्प्लिकेशंस वगैरह है आपके द्वारा हुई है जाने अनजाने में पेपर वर्क के बारे में, तो वो सामने आ सकते हैं। तो ये सभी बातें हैं वो आगे आने वाले 3-4 दिन में आपको अनुभव हो सकती है। थोड़ा सजग या सावधान रहना ज्यादा आवश्यक है। और दूसरी सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण बात, आप बहुत ज्यादा एक्टिव हो जाओगे, तो इसके बारे में थोड़ा तैयार रहना। इसके बाद की जो राशि है वह है मीन राशि। मीन राशि के तृतीय भाव में चंद्रमा का भ्रमण है और आप ही के द्वितीय भाव में मंगल और हर्षल की युति होने जा रहे, तो आज का जो दिन होगा आपका, आप पूरी तरह से बिजी हो जाओगे। जिस विषय पर काम करते उसी प्रकार उसी विषय पर आप पूरी तरह से फोकस हो जाओगे। सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण बात, मंगल हर्षल की युति जो आपके द्वितीय भाव में हो रही है, जिसकी वजह से आने वाले करीबन 3-4 दिनों में घर के जो लोग होंगे उनके साथ या फिर पैसे से लेकर कुछ बड़ी प्रॉब्लम या कॉम्प्लिकेशन आपको हो सकती है। अगर आपने किसी प्रकार की इन्वेस्टमेंट की है और जो कि गलत हो गई है, उसके बारे में कुछ खबर मिल सकती है, या फिर आपके हाथ से ऐसे कोई खर्चे हो सकते हैं जो कि अनवांटेड है, मतलब आपको बाद में जाके पता चलेगा कि जो भी आपने पैसा लगाया, जो भी आपने खर्चे किए वो अच्छे बराबर नहीं थे। खास करके आपके फैमिली के ऊपर अगर आपने पैसे खर्च किए हैं तो उससे आपको अच्छा आउटपुट नहीं मिलेगा, मतलब जैसा आप चाहते हो उस प्रकार से नहीं होगा। और घर के किसी व्यक्ति के साथ आपके ऐसे कोई मतलब मतभेद हो सकते हैं, उसका रीजन भी पैसों का ही होगा, जिसकी वजह से कॉम्प्लिकेशन हो सकती है आने वाले 3-4 दिनों के लिए। ये बात रहेगी, हालांकि इसके जो इफेक्ट रहेंगे, इसके जो परिणाम होंगे वो ज्यादा एक्सट्रीम नहीं होंगे, लेकिन आपका जो नेचर है वो बहुत ज्यादा सेंसिटिव है, तो इसकी वजह से ये बात थोड़ी ज्यादा आपको लग सकती है। तो इसके ऊपर थोड़ा सा ध्यान दीजिए, थोड़ा सा ठंडी दिमाग से सोचिए, ज्यादा इमोशनल, मुझे पता है कि आपकी राशि इमोशनल है, लेकिन ज्यादा इमोशनली ये बात नहीं लेना। 2-3 दिनों की बात है, फिर से वो जो बात है नॉर्मल भी हो जाएगी। तो दोस्तों, ये था दिनांक 13 फरवरी के लिए 12 राशियों का राशिफल। आपको ये राशिफल कैसे लगा, आपने किस तरह से अनुभव किया, इसके बारे में नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करना। और अपना ये जो चैनल है ब्रह्मांड सिद्धि एस्ट्रो, इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करना, बेल आइकन भी दबा देना, जिसकी वजह से अपने चैनल के नए नए वीडियो जो हर दिन अपलोड होते हैं उसके लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाएगी। धन्यवाद।